बांदा के भूरागंज रेलवे क्रॉसिंग पर आत्महत्या करने जा रही एक महिला को डायल 100 पुलिस ने जाकर पुलिस हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को पकड़कर महिला थाने पहुंचाया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में जहां पुलिस इसे आत्महत्या का प्रयास बता रही है, तो वहीं महिला रेलवे पटरी पर चलकर अपनी लड़की के घर जाने की बात कहकर आत्महत्या का प्रयास की बात को नकारती नजर आई। बता दें कि बांदा शहर के भूरागढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन आत्महत्याओं के मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में आज बांदा के केन नदी पुल के आगे भूरागढ़ रेलवे ट्रैक पर स्थानीय लोगों ने एक महिला की पटरी पर चलकर आत्महत्या करने का प्रयास करने की सूचना डायल 100 पुलिस को फोन कर दी। कुछ ही देर में डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंच गई और दौड़कर महिला को अपनी हिरासत में ले लिया, और इसके बाद महिला पुलिस को बुलाकर पूछताछ के लिए महिला थाने पहुंचाया, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले के बारे में डायल 100 पुलिस के हेड कांस्टेबल अलको विश्वकर्मा ने बताया कि हमें फोन पर सूचना मिली थी कि एक महिला रेलवे ट्रैक में आत्महत्या के प्रयास में चल रही है, जिस पर हमने मौके पर जाकर महिला को पकड़कर महिला थाने के हवाले कर दिया। वहीं आत्महत्या के प्रयास के बारे में पूछे जाने पर महिला का कहना है कि वह यही पास में ही रहती है, वह अपनी लड़की के घर चोरी छुपे जा रही थी ताकि सड़क पर जाते हुए उसे कोई देख न सके। रेलवे ट्रैक से आप जा रही थी बिटिया घर? यहाँ से आ रहे थे मैं, मगर यहाँ से जाऊंगी आदमी देखेगा मोहल्ला का तो बता देगा बैठ के गई, मगर यहाँ से यूं करके निकल जाऊंगी यहाँ से बैठ के। तो मोहल्ले से और आपसे क्या संबंध है? मोहल्ले से क्या लेना देना? पहचानता है सबको वही, मोहल्ले का आदमी आपको पहचानता है? नहीं पहचानता, चलो बता दे दुकान पकड़ लेते वो रोक लेते। सूचना मिली थी कि करने जा रहे हैं, क्या हुआ महिला को? फिर बचाया आप लोग? महिला को बचाया और ले आए उसको थाना, महिला थाना है कोतवाली नगर में। क्या बता रहे कहाँ के रहने वाली है महिला? ये यही कहीं किनारे की बता रही है। कारण क्या था जिसमें ये कटने जा रही थी? ये तो नहीं बता रही है अभी, ये नहीं बता पा रही।